कैसा किया कि ये मैं जगह अगर तुझे देगा तो ये कुली लोग भी यहाँ पे रहेगा, इसीलिए दो जात का लोग रहने का, कुली और मुसलमान। चार मस्जिद था, एक गणेश मंदिर था, 550 के मकान थे, 2,500 का लोग रहता था। ये लोग कहाँ रहता था? ये आपको जितना भी टूटा फूटा हुआ जो दीवार दिख रहा ना, ये लोगों का उस टाइम पे मकान था, घर था। ये सिद्धि का जनरेशन जो बोलता है ना पीढ़ी, वो कितना चला आपको? 14 पीढ़ी चला। लास्ट पीढ़ी सिद्धि अहमद खान, जो 1947 तक इस किले में उसका राज चला। 47 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया, सिद्धि इस किले को छोड़ के चला गया। अभी उसका लास्ट जनरेशन सिद्धि महमूद खान है, जो इंदौर में रहता है, उसको कोई वारिस नहीं है, वो लड़की है सर। उसके बाद यहाँ पे जो लोग था वो 1972 तक था, लोग यहाँ से नहीं गया। लोग क्यों चला गया? क्योंकि कोई भी चीज के लिए बार बार लोगों को बाहर जाना पड़ा, इसीलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको जो राजपुरी गाँव है ना, वो खेती बाड़ी था, वो जगह दे दिया। तो जाते समय लोगों ने क्या किया, अपना जो खिड़की दरवाजा था ना, उस जमाने में बरमानिक सागवान का था, तो उसे निकाला और राजपुरी गाँव में जाके एक बस्ती तैयार किया। उस बस्ती को नाम दिया राजपुरी। कुछ लोग आता है राजापुर, भेजापुर, रामपुरी, नहीं सर, उस गांव का मीनिंग है राजपुरी। कि ये लोगों ने उस किले में 900 साल राज किया ना, इसके लिए उस गांव को नाम रख दिया राजपुरी से। सर आप पे शायरी बोलेगा, मजा आएगा। बोलो क्या सर, शायरी में इंटरेस्ट है? हाँ, तो फिर सर पे बाद में बोलते हैं, पहले भैया पे बोलते हैं। कि इसने जिसको दिल दिया था दीवानी समझकर, जिसको दिल दिया था दीवानी समझकर, वो खा गए इसके दिल को बिरयानी समझकर, खा गए इसके दिल को बिरयानी समझकर, उस बेवफा ने इसके आंसू को भी नहीं छोड़ा, उसे भी पी गई नींबू पानी समझकर। तो आप क्यों बोल रहे हो पहले यहाँ पे रहता था मैं, हो गया तुझे शुक्रिया। डायरी डायरी जुड़ी जानी रे पूरा
और चार रकों में उसके कब्जा करके उसका नाम रख दिया पद्म दुर्गा। और इस किले को जीतने के लिए 40 दिन 40 रातों में पानी के 90 फीट जाके एक गिरी के टापू को संभाजी महाराज को बुलाया आया तो संभाजी महाराज ने यहाँ के सैनिक लोग को लेके वो किला बचाने चला गया, क्योंकि रायगढ़ उसका संसद था, हुकूमत था। यहाँ का राजा जब छुट्टियों से आया तो उसको पता चल गया कि भाई वो दौलत खान का किला नहीं रहा, वो तो संभाजी महाराज ने फतेह किया था इस किले को जीतने के लिए। तो उसके गैर मौजूदगी में हमारा जो कलाल बंगरी तोप है ना, उसका रेंज है 12 किलोमीटर और यहाँ से वहाँ डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। वो तोप के गोले को फायर किया और वो किला देखो आज भी आपको 3 हिस्सों में नजर आता है। और यहाँ के लोगों ने जो